morning students, welcome once again in Eclavya International online classes. In the previous video lecture we have done distribution of the electrons in the shells according to the Barbary scheme. आपको मैंने कुछ वर्क दिया था पिछले वीडियो लेक्चर का कि आप 1 to 20 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. आई होप आपने देखा होगा और आपने किया होगा बॉर्बरी स्कीम के अकॉर्डिंग. तो देखिए इसके अंदर जो बॉर्बरी स्कीम थी, बॉर्बरी स्कीम के अकॉर्डिंग के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर एम के अंदर आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एन के अंदर आप 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट्स तक जब आप आपने फिल किया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ध्यान रखिएगा 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस शेल की वो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं. बट वी कांट, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि उनमें रिपल्शन होता है. तो हम क्या करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड शेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन फिल करके चलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके चलेंगे. उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज सेम चार्ज और ड्यू टू द सेम चार्ज दे विल रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपल्शन की वजह से अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए तो वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा. और आपको एलिमेंट को किस फॉर्म में लाना है, स्टेबल फॉर्म में, अनस्टेबल नहीं करना है उसको. तो आप थर्ड शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक जब आपने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग मेथड देखा होगा तो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19. तो 19 प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर और 19 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट वी विल टेक न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिव चार्ज. वी विल नॉट राइट हियर 19 प्रोटॉन्स, या 19 प्रोटॉन अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पे. सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आपने बता दिया, मीन्स सारे के सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट शेल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे भाई. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. आप चाहे तो इसको सिंपलाइज पहले एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस तरीके से भी देख सकते हैं. 2, 8, 8, देखिए 8 और 2 10, 10 और 8 18, फिर नेक्स्ट में कितना चला जाएगा, 2. तो इस तरीके से करने के बाद आप इसको बना लीजिए. फर्स्ट शेल में 2 फिल हो गए, सेकंड शेल में 8 फिल हो गए, थर्ड शेल में भी कितने फिल होंगे, 8, नॉट 18. अब किसी से अगर गलती से 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हो ना इसमें, तो भाई वापस से ठीक कर लीजिएगा इसको. 10 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करने इसके अंदर, आपने अगर इसको फॉलो कर दिया हो तो, कि भाई 2, 8, 10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई पोटेशियम का. इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी इसके, ऐसे नहीं बनेगी, ये 10 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया. हालांकि 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, बट वी विल फिल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी थर्ड शेल ऑल्सो. इसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज सेम चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द सेम चार्ज दे विल रिपेल टू ईच अदर. ठीक है, तो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे अपन, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वी ऑलवेज फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल. जितने भी शेल होते हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 क्यों, 1, 20 हो गए. तो कैल्शियम का बना दिया अपन ने तो, राइट. 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 1 कितना हो गए, 19 हो गए ना, 8,
डन, ये हो गया आपका पोटेशियम का। इसके अलावा अगर आप ऑर्गन तक आपने बनाए हो तो ऑर्गन के अंदर भी 18 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करके चलते हैं आप, तो पॉजिटिव मिड में फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद फिर से 8 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, 288, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए भाई ऑर्गन का, ये आ गया पोटेशियम, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करना था, ऐसे नहीं करना है आपको कि सेकंड शेल तक तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए अकॉर्डिंग टू द 2n2। नाउ जो भी फिल कर रहे हैं नेक्स्ट के अंदर, वो सारे के सारे थर्ड शेल में भर दो, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, है ना। तो अगर कैल्शियम में किसी ने थर्ड शेल के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हो, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हो, तो ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका 20 होता है, तो आपने 2 8 10 कर दिया होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा मत करिएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि अपन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, राइट। बॉर्बरी स्कीम विल शो यू ओनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस शेल के अंदर आप फिल कर सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी वो होगी थर्ड आपके थर्ड शेल की 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल की कितनी होगी 32 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंस शेल और वैलेंसी। वैलेंस शेल एंड वैलेंस, देखिए क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें वैलेंस शेल की, क्या होता है ये वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसको वैलेंस शेल कहा जाता है, वो उसका वैलेंस शेल होता है। कैसे, देखो अगर अपन बात करें किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपन, राइट। ऑक्सीजन को ले लिया अपन ने, और ऑक्सीजन में आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आप देंगे वो कैसे होगा, 2 6, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, ठीक है। सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका जो सेकंड शेल है वो आउटर मोस्ट शेल हुआ कि नहीं है, आउटर मोस्ट शेल। तो सेकंड शेल इज वैलेंस शेल, ठीक है। सेकंड शेल आपका क्या हो गया, वैलेंस शेल, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है। किसी भी एलिमेंट का ले लीजिए भाई, सोडियम का लेते हैं, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर इज 11, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 2 8 1, किस तरीके से बनाएंगे, पॉजिटिव मिड में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड शेल
second shell. Third shell is valence shell. ठीक है, इसका थर्ड शेल क्या है? इसका वैलेंस शेल है. तो किसी का भी आउटरमोस्ट शेल निकाल लीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल हो जाएगा. राइट, तो आप करके देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ किस किस का वैलेंस शेल आपको निकालना है. फ्लोरीन का निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है, हीलियम का निकालना है, सिलिकन का निकालना है, पोटेशियम का निकालना है, एल्युमिनियम का निकालना है. इन सबके आपको क्या निकालने हैं? वैलेंस शेल निकालने हैं. अब देखिए, जब वैलेंस शेल की अपन बात करते हैं, तो वैलेंस शेल के बाद अपन बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. क्योंकि जब वैलेंस ही अपन निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की देखिए बेटा, वैलेंस शेल का मतलब आप बता रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल. तो जाहिर सी बात है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द as valence shell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 7, 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2-5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना इसका. तो 5 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कौन सा है भाई? सेकंड शेल कौन सा है? वैलेंस शेल है. तो दिस इज द वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द शेल इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट? 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, बिकॉज इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होते हैं, जिस भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाह रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में हैं, वो सारे के सारे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट होते हैं. ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल करके बताऊँ मैं आपको. एग्जाम्पल लेते हैं, एल्युमिनियम का ले लीजिए. एल्युमिनियम का लोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 13, 13 प्रोटॉन और 13 ही इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8-3. पता चल ही रहा है वैसे कि आउटर मोस्ट शेल थर्ड हो गया इसका. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स.
Tell me which one is the valence shell? Third shell is the valence shell. ठीक है, थर्ड शेल को अपन ने क्या माना? वैलेंस शेल, क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल है और इस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना देखिएगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, मैं बताती हूँ आपको किस किस का निकालना है. आप निकालिए बेरिलियम का, कार्बन का, फ्लोरीन का और सिलिकन का, सल्फर का, आर्गन में भी निकाल लीजिएगा, पोटेशियम में निकालिए, लिथियम का निकालिए. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल के बताइएगा. ठीक है, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा. इसके बाद चलते हैं वैलेंसी पे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देख लिए, वैलेंस शेल आपने देख लिया, नाउ द वैलेंस. व्हाट इज वैलेंस? देखिए, जब आप एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ कंडीशंस अराइज होती हैं. आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, क्यों 4 ही क्यों ले रहे हैं अपन? उसका रीज़न है ऑक्टेट. ऑक्टेट का हाफ कितना होगा? 4, क्योंकि ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो मान लीजिए एटम दो कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है. इट हैज 4 एंड लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और इट हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे. वैलेंसी विल बी इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें वैलेंसी विल बी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें तो इक्वल हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी. 1 है तो 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी. लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हैं भाई, तो उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा. जैसे कि 5 है तो 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगी. अगर 6 है तो 8 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगी. तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं, नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं. इसके लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखा था 2 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 7, राइट? तो इसके अंदर देखिए मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 माइनस 5 यानी वैलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की? 3. लेकिन इनके लिए देखो, इनके लिए मैं बताऊँ आपको, सोडियम 281, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1. वैलेंसी कितनी हो गई? 1. मैग्नीशियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. वैलेंसी हो गई 2. एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283. क्यों 283? क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, तो 283. तो वैलेंसी कितनी हो गई भाई? 3, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सिंपल. तो अगर जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या लेस देन 4 है, तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है? इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4.
लेकिन अगर मोर देन फोर है तो आप क्या करेंगे, एट में से माइनस कर दीजिए जितना भी डिजिट है। फाइव है तो डिजिट माइनस करते ही थ्री आ जाएगी, सिक्स है तो डिजिट माइनस करते ही टू आ जाएगी बैलेंस से, सेवन है तो वन आ जाएगी। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेवन होते हैं ना भाई। नाइन इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया टू सेवन, मीन्स आउटर मोस्ट शेल हैव सेवन इलेक्ट्रॉन्स, तो सेवन को माइनस करिए एट में से कितना आया वन, यानी वैलेंस से कितनी होगी वन, डन। ठीक है, तो आज का वर्क आपका है वैलेंस शेल निकालने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का एंड वैलेंसी भी कंसिडर करने का। आपके चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो लेक्चर रेस्ट है, दैट विल बी अबाउट द आइसोटॉप एंड आइसो बार्स। ठीक है, हो सकता है कि दो वीडियो लेक्चर हो जाएं क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस भी लेनी पड़ेगी, आइसोटॉप की एप्लीकेशन और आइसो बार्स की एप्लीकेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट आपका फोर चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो सेंड मी योर क्वेरीज इफ़ यू हैव, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर है तो प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।